अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी ऑमलेट। इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने लिया है एक कप आलू लिए हैं। इसे मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इसे मैंने धो लिया है, इसके छिलके निकाल कर इसे कट किया है। ये देखिए बहुत छोटे पीस है ये। एक आलू बड़ा वाला एक आलू ले लेना, और उसके जो भी आप कप ले लेंगे या कटोरी ले लेंगे उसी आप पूरा गिन कर ले लेना। तो ये मैंने एक कप लिया है, ये 1/4 कप ऑयल है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे, गैस ऑन किया है। ये 1/4 कप ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे। ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच डिनर में भी खा सकते हो। ये बहुत अच्छी रेसिपी लगती है ये। अब हम ये आलू इसके अंदर डाल देंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट इसके अंदर हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर ये 1/2 कप मैंने प्याज लिए हैं, उसे भी मैंने ऑमलेट कट किया है छोटे छोटे पीसेस में, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम पूरा मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए ये भी हमारे हो गए। अब हमने लिया है ये 3 टमाटर है, ये 1 कप टमाटर है। जिससे भी आप में पूरा गिन के ले लेंगे उसी से ही करना है। ये 1 कप है, मान लो ये 3 टमाटर है। इसे भी मैंने छोटे पीसेस में कट किया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने पूरा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर ली है, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। इसे पूरा मिक्स कर लेंगे। और अफगानी लोग तीखा कुछ नहीं डालते इसके अंदर, पर मैं इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर डालूंगी। वो लोग बिल्कुल तीखा नहीं डालते, पर मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। अगर आपको नहीं डालना तो फिर इसे स्किप कर देना। हम पूरा मिक्स कर लेंगे इसे। और इसे हम 5 मिनट ढक करके पका लेंगे। ये देखिए इसको मैंने पूरा फैला दिया है। यहाँ पे मैंने लोहे वाला तवा, जो हम रोटी बनाते हैं वो वाला तवा रखा है। गैस के फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है। तब तक अब हम इसके अंदर ये अंडे फोड़ लेंगे। आपको जितने चाहिए उतने आप अंडे ले सकते हो। मैंने कटोरी में ले लिया है, आप ऐसे भी डाल सकते हो। ये देखिए मैंने 4 अंडे इसके अंदर फोड़ लिए हैं। आपको चाहिए जितने चाहिए उतने आप इसमें डाल सकते हो। अब हम क्या कर लेंगे, ये अंडे के ऊपर टेस्ट आने के लिए हम थोड़ा नमक इसके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये मैंने 4 हरी मिर्च ली है। इसे मैंने पूरा ऐसे किया, इसे मैंने बिल्कुल कट नहीं किया है, सिर्फ इसके ऊपर का निकल दिया है। ये हम इस पर डाल देंगे और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे हम ढक के इसे हम ढक लेंगे। मैंने इसे ढक लिया है, गैस की फ्लेम को लो किया है। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे ऐसे ही रख लेंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बन गया हमारा अफगानी ऑमलेट। मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। देखिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ।
ये गरम है पूरा। पूरा में नीचे से आलू से के साथ हमें इसे निकालना है। ये देखिए, इसे आप गेहूं की रोटी के साथ खा सकते हो, ब्रेड के साथ खा सकते हो, पाव के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ भी खा सकते हो। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। मैं अब इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत यम्मी बना है। ज़रूर आप इसे बनाना, और आप एक बार इसे बनाएंगे ना, घड़ी घड़ी नाश्ते में आप यही खाएंगे। घर वाले भी आपको बोल देंगे कि कुछ मत बनाओ, यही बना लो, इतना टेस्टी लग रहा है ये। और मुझे कमेंट करके बताना आपने बनाया और घर वालों ने अगर पसंद किया तो। और आप मुझे कमेंट करना कैसा बना है ये, टेस्ट में कैसा लग रहा है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।